हेलो हाय नमस्ते दोस्तों, आप सबको स्वागत करते हैं फूडी सिस्टर 3 के इस नए वीडियो में। आज हम बनाने जा रहे हैं अंडा पराठा। ये बहुत ही टेस्टी बनता है। ये अंडा पराठा बाहर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट रहता है। आज हम आपको बहुत ही आसान तरीका अंडा पराठा बनाने का बताएंगे। तो फिर चलिए शुरू करते हैं बनाना अंडा पराठा। अंडा पराठा बनाने के लिए यहाँ पे हमने पहले से ही आटे को गूंद के रख दिया था। जैसे हम नॉर्मली घर में पराठा बनाने के लिए आटा गूंदते हैं, वैसे ही गूंदना है। यहाँ पे हमने 4 अंडे, एक बड़े प्याज को हमने अच्छे से काट लिया है, 3 से 4 हरी मिर्च को भी काट लिया है, थोड़े से धनिया पत्ता को हमें फाइनली चॉप कर लिया है और 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर लिया है। ये सब हमने 4 पराठे के हिसाब से लिया है। को जितने पराठे बनाने हैं उसी हिसाब से एडजस्ट कर लेना है। अब हम एक बॉल में अंडे को तोड़ के डाल देंगे। उसमें थोड़ा सा प्याज, थोड़ी सी हरी मिर्च, थोड़ी सी धनिया का पत्ता, 1/4 टीस्पून सॉल्ट और थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर डालकर उसको अच्छे से मिला लेंगे। ये मिक्स हो गया है, अब हम इसको साइड में रख लेंगे। अब हम पराठे को बेल लेंगे। यहाँ पे हमने एक बॉल जितना बड़ा आटे का लोई लिया है, उसमें थोड़ा सा पाउडर आटा डाल के उसको अच्छे से रोटी जितना बड़ा बेल लेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा ऑयल लगा के उसको फोल्ड कर लेंगे। हमें ट्रायंगल शेप में चाहिए तो हमें दोबारा इसको फोल्ड करना पड़ेगा। अब इसमें थोड़ा सा ऑयल लगाकर इसको अच्छे से फोल्ड कर लेना है। अब हम इसको बेल लेंगे। ये आप देख सकते हो कितना अच्छा ट्रायंगल शेप का पराठा बन गया है। अब हम इसको सेक लेंगे। हमने पहले से ही पैन को गर्म होने के लिए रख दिया था। अब हम इसमें पराठे को डालकर उसको अच्छे से दोनों तरफ से सेकेंगे। नीचे की तरफ को 1 मिनट पकाने के बाद अब हम इसको दूसरी तरफ पलट देंगे। इसी तरह हमें दोनों तरफ एक एक बारी पलटा के उसको अच्छे से सेक लेना है। अब हम पराठे को सेकने के लिए उसमें तेल डालेंगे। ब्रश में अच्छे से तेल को चारों तरफ इसे स्प्रेड कर लेना है। ठीक उसी तरह पराठा को पलटा के दूसरी तरफ भी हमें तेल को अच्छे से लगा लेना है। अब हम पराठे को अच्छे से सेक लेंगे। यह आप देख सकते हो पराठा कितने अच्छे से सेकने लग गया है और इसमें लेयर आना शुरू हो गया है। उसी लेयर से हमें एक पॉकेट जैसा बनाना है और उसमें जो हमारा अंडे का मिक्सचर है उसको डालना है। अंडा डालने के टाइम फ्लेम को लो कर देना है, नहीं तो फिर नीचे से पराठा जो है वो जल जाएगा। ये पॉकेट अब बन गया है। अब हम इसमें अंडे का मिक्सचर डाल देंगे। अंडे का मिक्सचर अगर थोड़ा सा बाहर निकल आए तो कोई दिक्कत नहीं, वो पराठे में फिर से चिपक जाता है। स्पैटुला को पराठे के ऊपर अच्छे से दबा दबा के अंडे का जो मिक्सचर अंदर है उसको चारों तरफ अंदर से फैला देना है। अंडा डालने के बाद पराठे को अच्छे से दोनों तरफ पलटा के सेक लेना है। फ्लेम को मीडियम रखना है ताकि अंडा अंदर से अच्छे से पक जाए। अब इसमें थोड़ा थोड़ा तेल डालकर पराठा को दोनों तरफ से अच्छे से सेक लेना है और ये भी चेक करते रहना है कि अंडा अंदर से पका है या नहीं। पराठे को क्रिस्पी करके सेकने के लिए लगभग 5 से 6 मिनट लग जाते हैं। देख सकते हो पराठा कितने अच्छे से सेक गया है। ऊपर का पोर्शन भी क्रिस्पी हो गया है और अंदर से अंडा भी पक गया है। जब पराठा अच्छे से फूल जाए तब ये समझ लेना चाहिए कि अंडा अंदर से पक गया है। अंडा पूरा पक जाने के बाद
अगर आपको पराठा ज़्यादा क्रिस्पी चाहिए तो गैस के फ्लेम को लो कर देना है और उसको अच्छे से दोनों तरफ सेकना है। ये आप देख सकते हो पराठा कितने अच्छे से सेक गया है और ये अंडा भी कितने अच्छे से पक गया है, देख सकते हो मोटा हो गया एकदम अंदर से। अब हम इस पराठे को बाहर निकाल देंगे क्योंकि हमारा पराठा रेडी हो गया है। इस पराठे को आप ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर किसी भी टाइम पे खा सकते हो। इसको आप टमाटो चटनी, हरी चटनी या फिर टमाटो केचप के साथ खा सकते हो, ये बहुत ही टेस्टी लगता है। हमारी ये रेसिपी आप एक बार ही अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट में बताइएगा कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको हमारी ये अंडा पराठा वाली रेसिपी की वीडियो पसंद आई है प्लीज़ नीचे दिए गए लाइक बटन को दबा दीजिए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलना ताकि आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए।